सराब की रौनक बहाल, छुट्टी के रोज सयाहों ने मालम जब्बा का रुख कर लिया। कोई वादी के नजारों में खोया हुआ है तो कोई मजेदार खानों से लुत्फ ले रहा है। मजीद बात कर लेते हैं सुनो न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला शीरी से। जी अब्दुल्ला, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात के सियाहती मुकाम मलम जबा जंगल में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर पहुँच गए हैं। कोई अपना पिकनिक मना रहा है और कोई यहाँ पर डाबी से जो है वो यहाँ के जो मुकामी खाने हैं वो खा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ दोस्त आए हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या तसरत है। वेलकम टू स्वात, क्या कहेंगे सर, आप यहाँ पर जंगल में मौजूद है, किस तरह आपने इंजॉय किया? अस्सलाम वालेकुम, यहाँ स्वात का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, जंगल भी बहुत ज़बरदस्त है। आप देख रहे हैं सयाह काफ़ी मकदार में इधर आए हुए, आप लोग नज़र भी आ रहे हैं। तो यहाँ म्यूज़िक वगैरह की बड़ा प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं और बड़ा पुरसकून माहौल है, बहुत खूबसूरत जगह, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, यहाँ आ जाए, इन्जॉय कर ले। जैसे आजकल लोग जा रहे हैं मरी वाली साइड पे, आगे नारायण का खान बाबूसर टॉप वगैरह इस साइड पे जा रहे हैं, तो उस सारी बर्फबारी की वजह से भी और रास्ते भी ख़राब है काफ़ी, तो स्वात के रास्ते भी काफ़ी ज़बरदस्त है और माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं सबको दावत है यहाँ आके इन्जॉय कर लें, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। जी बहुत शुक्रिया, आपने सयाहों की तसरात जानी, तो यहाँ पर काफ़ी इसको इन्जॉय कर रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर सयाह मौजूद है और यहाँ पर वो मुख्तलिफ जो पकवान है उससे भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर जंगल और खूबसूरत नज़ारों को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।